दोस्तों फाइनली Xiaomi तैयार है 12th जून को इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन Xiaomi 14cb को लॉन्च करने के लिए। जी हां दोस्तों, Xiaomi इंडिया द्वारा इसका ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट जो है कंफर्म करा चुका है। इवन Xiaomi इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इस स्मार्टफोन को लिस्ट करा चुका है, जहां से क्लियर हो चुका है कि यह स्मार्टफोन जो है 12 जून को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में से बात करूंगा इसी Xiaomi 14cb के बारे में कि आखिरकार इसकी स्पेसिफिकेशन इंडियन मार्केट के लिए क्या कुछ होने वाली है, इंडियन मार्केट में जब ये 12 तारीख को लॉन्च होगा तो किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा। तो जितनी भी जानकारी है Xiaomi 14cb से रिगार्डिंग सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा, तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Xiaomi 14cb के जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.55 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला यहां पे माइक्रो कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे जो है आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ला कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां पे आपको एक 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड हां दोस्तों, यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। यहां पे प्रोटेक्शन काफी दमदार यूज करा गया, विक्टस टू यूज करा गया, लिटरली बहुत बड़ी बात है। सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, एंड जो सेकेंडरी कैमरा है वो भी आपको 32 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। मतलब सामने की तरफ को 32+32 का कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब बैक की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। कैमरा एलिमेंट सुनिए कैसे यूज करा गया है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा। सेकेंडरी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का होगा, जो कि टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस के साथ में आएगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको बोके शॉट्स पोर्ट्रेट मोड क्लिक कर देगा। एंड थर्ड कैमरा 12 मेगापिक्सल का होगा, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। तो कैमरा डिपार्टमेंट में हम शिकायत नहीं कर सकते हैं, कैमरा टॉप नॉच काम करा जाएगा यहाँ पे, तो कैमरा काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। एंड दोस्तों यहाँ पे आप बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे जो आपको 4700mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आ गया। एंड यहाँ पे आपको 67W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि 5000mAh की बैटरी होनी चाहिए थी, बट इसको जो है स्लिम और लाइट बनाने के लिए फोन में जो है 4700mAh की बैटरी यूज करी जाएगी। एंड प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको Qualcomm की तरफ से स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि नो डाउट बहुत ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। एंड हाँ, ये चिपसेट जो है 5G मॉडम को सपोर्ट करता है, इसके कारण ये स्मार्टफोन 5G बन जाएगा। एंड यहाँ पे जो ऐसा आपको बताया शुरू में ही कि एमोलेड डिस्प्ले है, तो उसका भरपूर फायदा उठाते हुए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। 3.5 जैक मिसिंग होने वाला है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डुअल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, NFC का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसकी जो फ्रेम है आपको मेटल के फ्रेम देखने को मिलेंगे। एंड ये स्मार्टफोन जो है हाइपर ओएस रन करेगा, जो कि आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये रही स्पेक्स की कहानी यहाँ पे Xiaomi 14cb की। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्मार्टफोन जो है कब लॉन्च होने वाला है, 12 जून को। तो 12 जून को जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा, तो आप इसकी प्राइस एक्सपेक्ट मत करो कि 30,000 हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। जी नहीं, इसकी प्राइसिंग होने वाली है इंडिया मार्केट में अप्रॉक्सिमेटली 45,000-50,000 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 45,000 से 50,000 के बीच में इसकी प्राइसिंग होने वाली है। मे बी बैंक ऑफर्स वगैरह सब चीज़ें अप्लाई करने का, इसकी एक्चुअल प्राइसिंग आपको 45,000 देखने को मिल जाएगी, मतलब इफेक्टिव प्राइस 45,000 देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे 40,000 उम्मीद मत करना कि इसकी प्राइसिंग आ जाएगी, 40,000 के अंदर इसकी प्राइसिंग नहीं आएगी। ये फोन जो है थोड़ा कॉस्टली होने वाला है। आप भी बोलोगे कि स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 है भाई, मैक्सिमम प्राइसिंग 35,000 हो जानी चाहिए थी, बट नहीं, यहाँ पे प्रोसेसर को टारगेट नहीं करा गया, यहाँ पे परफॉर्मेंस को टारगेट नहीं करा गया, यहाँ पे लुक्स को, यहाँ पे कैमरा को टारगेट करा जा रहा है। एक अलग तरीके की ऑडियंस को टारगेट कर रही है Xiaomi इस स्मार्टफोन के थ्रू। तो हाँ, आप इसमें एक्सपेक्ट मत करना 30-35-40 मेगा, इसकी प्राइसिंग अप्रॉक्सिमेटली 45,000 के आसपास होने वाली है। खैर, जब ये स्मार्टफोन 12th ऑफ जून को इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, देन यहाँ से आपको फ्रैंक ओपिनियन देखने को मिल जाएगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ यही सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था Xiaomi 14cb से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।